वॉट डू एक्सपेक्ट मी टू डू मी असं डिप्रेशनमध्ये बसून की मला कॅन्सर झालं म्हणून बसायचं का नाही म्हटलं आय विल ओवरकम दिस हा थॉट तुमच्या डोक्यात असणं खूप गरजेचं आहे की आय विल ओवरकम दिस आणि त्यामुळे मी अजूनही आहे म्हणजे माझ्यात प्रॉब्लेम नाही आहे तसे नाही खूप आहेत पण मी सांगत नाही बट आय प्रिटेंड ॲज इफ मी आत्ता मॅरेथॉन धावू शकतो अजिबात नाही तीन किलोमीटर पण धावू शकत नाही पण यू हॅव टू बिलीव्ह दॅट यू विल रन माझं ते म्हणणं आहे थँक्यू सो मच थँक्यू पर एक दोन प्रश्न फक्त दोनों शारिक सर यो 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 या कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम आपने इसके पहले भी लेकिन अब बहुत अच्छे कंटेंट दिए है एक्चुअली एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क वॉन्ट ये फिल्म ऐसी है जो आप दूसरे लैंग्वेज में भी डब कर सकते थे या ऐसा होता है ना कि बहुत बार सब भी देके ज्यादा एक वाइडर ऑडियंस को आप रीच कर सके Uh, जैसे हमने ट्रेलर देखा या जब आप कोई फिल्म के साथ जुड़ते हो तो आपको पता चलता है कि यू नो कंटेंट में बहुत दम है तो जो स्ट्रैटेजी होती है कि कभी लाइक वाइल द फिल्म इज आल्सो बीइंग मेड आप लोग कुछ डिसाइड करते हो कि इसको अगर अदर लैंग्वेजेस में भी यू नो फिल्म देखी जाए तो वाइडर ऑडियंस तक पहुँच सके तो वो भी एक ओपनिंग आई यू प्लानिंग दैट वे बिकॉज आई थिंक सो कि फॉर हिंदी में हम लोग उस तरह से कर रहे हैं तो वाई नॉट फॉर अराठी फिल्मो आई थिंक इट कैन बी इन एनी अदर लैंग्वेजो वॉट है मराठी और हिंदी वे देरी लार्ज ओवरलैप तो क्या होता है कि यू नो जो औरिजिनल लैंग्वेज है उसका जो मजा है फ्राम एन ऑडियंस परस्पेक्टिव दैट्स यू नो सो एक वो एक जो 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 सोल है वो ट्रांसलेशन समाइम्स में या डबिंग में इट गेट्स लॉस्ट बट हाँ ऐसी पिक्चर है अगर हमें रीमेक करनी हो यू नो विथ सिमिलर स्टार का सेम डटर समट वी वी आर लुक वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर लैंग्वेज हिंदी हो या कोई दूसरी अलग लैंग्वेज हैं तो वो कर सकते हैं बट क्या होता है कि द दोर्स लैंग्वेज स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो एक जो न्यूआंस जो निकलता है वो जो भाषा और वो जो रीजनल जो इमोशन आती है दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू उसको सैक टू सैक्ट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है uh, so you know. uh, आपकी बारे में जानना चाहेंगे वे यू रिबिलस लाइक यू नो या फिर कभी ऐसी कोई मेमोरी जहाँ पर आपने कोई ज़िद्द की हो ना कोई चीज़ के लिए जो आपको एंड मे बी आपके फादर ने कभी उस चीज़ के लिए मना किया होगा एनी थिंग रिम्बर नहीं मैंने बोला ना हमारे सारे चक्रा वक्रा और वरा सब एक ही इसमें खुल जाते थे तो ज़िद्द तो वैसे नहीं होती थी यू नो आई कम फ्राम अ वेरी हम्बल मिडल क्लास फैमिली तो आपको पता होता है कि आपके घर में क्या है क्या सिचुएशन है आप कितनी ज़िद कर सकते हो क्या मांग सकते हो आई रिमेंबर वंस यू नो जब मैं छोटा था तब एक स्पोर्ट्स शॉप हुआ करता था शिवाजी पार्क में अभी भी वो है और बिल्कुल उसको लग के हमारा बस स्टॉप था जो शिवाजी पार्क से बस अंधेरी आती थी तो उसके पीछे बिकॉज दैट शोट शो दैट शॉप यूज़ टू बी वेरी अट्रैक्टिव तो हर बार एटलीस्ट अंदर जाते थे देखते थे क्या क्या चीज़ है तो वहाँ पे एक गेम था जो uh, ऐसा बॉल बैरिंग का जो रहता है ना बॉल बैरिंग वो ऐसे डालते थे और हम एक बैट्समैन ऐसा होता था और उससे वो मारते थे तो वो फोर सिक्स वगैरह जो भी है वैसा गेम हुआ करता था एंड मुझे वो बड़ा पसंद था क्रिकेट का गेम तो एक दो बार मैं जाके देख के आया था फिर आई uh, रिमेम्बर मेरे फादर मुझे वहाँ पिकअप करने आए थे मेरे नानी के घर से तो मैं उनको लेके गया था कि यहाँ पे चलो ना वो गेम देखो गेम देखो एंड uh, वो गेम हमने देखा मेरे फादर ने देखा एंड यू नो ही हिडेंट हैव द मनी दैट टाइम टू बाय दैट गेम इमीडिएटली फॉर मी बिकॉज ऐसा नहीं होता था कि अच्छा अच्छा लगा अरे ले लो यू you नो know, तो वो कोशिश कर रहे थे यू you नो know, कि हाँ ठीक है देखते हैं और क्या क्या है वगैरह बातें चल रही थी और इतने में उन्होंने मुझसे कहा बस आ गई बस आ गई बेटा बस निकल गई तो फिर यू you नो know, वापस लेट हो जाएगा तो हम लोग गए और वो रह गया बिकॉज आई लेटर ऑन फिगर दैट यू नो प्रब्ली ही वाई डेंट ही बाईट बट देन ए फिगर दैट ही डेंट हैव द मनी बट जब घर पर गए तो उन्होंने उसी तरीके का एक कुछ खुद गेम बनाया नो और मुझे बोला कि हाँ ये देख वैसा ही है यू नो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है लेकिन वैसा ही थे कुछ चलेगा तो उन्होंने वैसा ही एक बैट्समैन बनाया था कुछ फील्डर्स बनाए थे और बॉल बेरिंग मुझे देख के फिर हम लोग वो खेला करते थे सो आई थिंक दीज व वंडरफुल टाइम्स यू नो जब आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ एवरी लिटल थिंग दैट आई गॉट

त्या रोल प्रॉमिनंट गोष्ट आठवते तुमचा तो चष्मा तर रोलची रिक्वायरमेंट ती स्टोरी रिक्वायरमेंट काय महेशरांचा तो सु सुजा होता त्या चष्म्याचं एक सिक्रेट आहे जे मी तुम्हाला आत्ता नाही सांगणार पण ते सिक्रेट जर का कोणी मला उलगडून सांगितलं फिल्म बघितल्यानंतर तर मी माझ्याकडून त्यांना एक गिफ्ट देईन शंभर टक्के त्या च् तर चष्मा महेशदानीच म्हणजे असा सीन सुरुवात झाली रिहर्सल वगैरे सगळी झाली आणि असं ठरलं की चल रेडी टेक करूया हां इकडे जरा हां चष्मा उचलला असा घातला मला हां चांगला आहे जा टेक करूया ओके सो पण तो चष्मा काय आहे यु नो ते तुम्हाला जरा नीट बघायला लागेल सिनेमामध्ये आणि जर का जे कोणी मला सांगतील की त्या चष्म्याचं गुपित काय आहे मी त्याला खरंच माझ्याकडनं एक गिफ्ट देणारे जे एक आहे जे मी नंतर फिल्म रिलीज झाल्यानंतर मी रिव्हील करीन बरं झालं तुम्ही विचारलं पण फिल्म रिलीज झाल्यानंतर मी रिव्हील करीन ते काय आहे ते तुम्ही मला सांगा की काय आहे आणि आय विल गिव्ह यू अ गिफ्ट फ्रॉम माय हा हा मतलब मजबूत थोडासा नाही अच्छा खासा मतलब बाकी आगे भी देखेंगे जैसे जैसे यू नो बट वो 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 रोल 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 की थी, रोल की 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 डिमांड 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 थी थी थी, want little रोल की थी और और शूटिंग करते करते फिर और वो जैसे बढ़ती गई खाना, लजीज खाना आता गया वैसे डिमांड बढ़ती गई और मोटा और होते नंतर जे कोणी गेस्ट करेल त्यांच्यासाठी आहे पण एक गिफ्ट आत्ता तुझ्याकडून आम्हालासुद्धा मिळणार आहे असं मी ऐकलं आहे एक व्हॅलेंटाईन डे स्पेशलसाठी मला असं वाटतं की आमचे जे वैभव जोशी आहेत त्यांची एक छानशी छोटीशी कविता आहे ती यु नो मला इथे म्हणावीशी वाटते की विथ ऑल युअर परमिशन छोटीशीच आहे व्हॅलेंटाईन स्पेशलसाठी त्यात शेवटी माझी एक आगाऊ ॲडिशन पण आहे ओके okay. <coughs> एक होकार दे एक होकार दे फार काही नको फार काही नको फक्त नाही नको एकदा दोनदा ठीक आहे सखे एकदा दोनदा ठीक आहे सखे पण तुझे लाजणे बारमाही नको थेट स्पर्शातून बोल काहीतरी गूढ शब्दातली मौन ग्वाही नको खात्री एवढा हात हातात दे खात्री एवढा हात हातात दे पण मिठी एवढा गवगवाही नको मस्त डोळ्यातली थेंबर दे नशा मस्त डोळ्यातली थेंबर दे नशा मग दवाई नको अन दुवाई नको आपले भेटणे हीच आपली कोजागिरी आपले भेटणे हीच आपली कोजागिरी आपला व्हॅलेंटाईन चांदणेही नको चांदवाही नको धन्यवाद क्या बात है एकदा जोरदार टाळ्या वैभव जोशींसाठी आणि अर्थात श्रेयसाठी सुद्धा आपण आपल्या कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आलेलो आहोत आपण इथे एक फोटो ऑपॉर्च्युनिटी करणार आहोत त्यामुळे मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करते की प्लीज आपण उभे राहू या फोटोसाठी पण बिफोर दॅट काही लोकांना स्टेजवरती निमंत्रित करू इच्छिते झी स्टुडिओजच्या आशिमा अवस्थी भूमिका तिवारी नीरज जोशी आणि साधिक चितळेकर एकदा जोरदार टाळ्या यांच्यासाठी सुद्धा झालं पाहिजेत